खरगोन जिले के सेगावा नगर की सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सदैव अग्रणी रहने वाली नारी शक्ति संगठन हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खामखेड़ा रोड स्थित मिट्टी प्रशिक्षण केंद्र पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर संगठन की नीना पाठक, वंदना महेंद्र गुप्ता, गायत्री भावसार, आरती त्रिवेदी, दीपा तिवारी, रीना पाटीदार, वंदना गुप्ता, मेघा पाठक, संध्या गुप्ता उपस्थित थी। इस अवसर पर संगठन की वंदना गुप्ता और नीना पाठक ने बताया कि हमारे संगठन द्वारा हमेशा ही धार्मिक, सामाजिक या फिर दीन दुखियों की मदद का काम हमारे द्वारा प्राथमिकता के साथ किया जाता है। पिछले कई वर्षों से पेड़ों के काटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से पौधारोपण भी किया जाता रहा है। साथ ही हमारा सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक पौधारोपण कर उनकी रक्षा की जिम्मेदारी सभी लें। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज ये जो वृक्षारोपण किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? वृक्षारोपण का उद्देश्य ये था कि पिछले कई वर्षों से पेड़ काटे जा रहे थे, इसलिए प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा था। तो प्रकृति का बैलेंस बनाने के लिए हमने पौधारोपण का बीड़ा उठाया है, जिससे कहीं अतिवृष्टि कहीं कम वृष्टि ना हो, सभी दूर बारिश का बराबर संतुलन बना रहे, इसलिए हमने पौधे लगाए। क्या नाम लिखते हो? वंदना गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।